dear students today we will start with the new chapter polymers which is unit 15 and uh, the one of the chapter from organic chemistry it is basically a theoretical chapter and by learning some monomer units you can easily attempt the number of questions based on the chapter polymers there are some differences that has been asked on the basis of their classification and the different monomer units and some uses would be asked to you in the examination so uh, basically the polymers are having a great impact on our modern life whether we are talking about the man made fibers or the plastics synthetic rubbers etc so around us we can see number of examples of polymers as uh, the different type of resins different type of plastics in the similar manner different type of fibers such as the teraline decron in the similar manner nylon these are some man made fibers and uh, synthetic rubber also a gift from the scientist to us in the form of the synthetic polymers the first uh, polymer that has been synth synthesized was polyvinyl chloride pvc सबसे पहला पॉलीमर था जो सिंथेटिकली ऑप्ट किया गया था आफ्टरवर्ड अ नंबर ऑफ पॉलीमर्स हैज बीन इन द लेबोरेटरी नाउ द साइंटिस्ट आर सर्चिंग फॉर द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स दैट आर इको फ्रेंडली इन नेचर सो लेट स्टार्ट बेसिकली द पॉलीमर इज हैविंग अ ग्रीक ओरिजिन इन विच पॉली मीनस मैनी एंड मीरोज और मर्स मीन यूनिट्स और पार्ट मीन्स मैनी पार्ट पॉलीमर मीन्स मैनी पार्ट सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस ऑफ अ हाई मोलिकुलर मास फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स बाय केमिकल बॉन्ड्स तो पॉलीमर्स क्या हैं बेसिकली जैसे कि आपको बताया कि इसमें क्या है मैनी पार्ट्स जब कई सारे मोनोमर यूनिट कंबाइन होते हैं एक दूसरे से थ्रू द केमिकल बॉन्ड्स टू तो फॉर्म अ हाई मोलिकुलर मास इज नोन एज द पॉलीमर्स और इस यानी रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट वुड बी सीन इन द केसेस और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जहां पर मोनोमर्स को कंबाइन करके पॉलीमर्स बना दिया जाता है द प्रोसेस इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस नाउ इट्स सी द डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड मेक्रो मोलिक्यूल दर इज द डिफरेंस क्योंकि मेक्रो मोलिक्यूल भी वही हुए हैं जिनका हाई मोलिकूलर मास है बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पॉलीमर्स एंड मेक्रो मोलिक्यूल्स वॉट वी कैन से ऑल पॉलीमर्स आर मेक्रो मोलिक्यूल जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सारे के सारे मेक्रो मोलिक्यूल्स हैं बट ऑल द मेक्रो मोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स एज पॉलीमर्स में क्या होता है दे आर हैविंग द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट यहाँ पे हम मोनोमर यूनिट को रिपीट करते चले जाते हैं टू कम्बाइन अ टू फॉर्म अ पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के लिए जबकि जो हमारे मेक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होंगे वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते जैसे क्लोरोफिल का एक यूनिट अपने आप में मेक्रोमोलिक्यूल है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर इज अ मेक्रोमोलिक्यूल इट सेल्फ बट इट इज नॉट अ पॉलीमर बिकॉज दिस वी आर नॉट रिपीटिंग द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ना लेट सी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मोनोमर्स जो हमारे मोनोमर्स हैं उनकी नेचर पर के बेसिस पर हम पॉलिमर्स को दो तरीके से सब डिवाइड कर सकते हैं द होमो पोलिमर एंड को पोलिमर एज पर इट्स नेम इट इज क्लियर होमो का मतलब सेम इट मीन्स जिनमें मोनोमर यूनिट क्या होंगी सेम होंगी मीन्स सेम मोनोमर यूनिट्स आर रिपीटेड एंड कम्बाइनिंग टू फॉर्म पॉलिमर इज नोन एज होमो पॉलिमर और को पोलिमर का मतलब समझ में आ रहा है जहां पर दो या दो से ज्यादा कम्बाइन कर रहे हैं इट इज ड्राइव फ्रॉम टू और मोर मोनोम को पॉलिमर्स आई हेव गिवन यू सब एग्जाम्पल्स पॉलिथीन पी वी सी पी वी सी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पेन पेन मीन्स पॉली एक्राइलो नाइट्राइल्स फर्स्ट यू वुड बी मस्ट बी फैमिलियर विद द नेम्स हम इनके बारे में सबके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे आगे इस चैप्टर में so today uh, with the help of classification and all i'll uh, discuss only the names of different polymers that we'll discuss later on in this chapter or co-polymers my gamara nylon 6 6 buna s buna n these are rubbers and nylon is a fiber now let's see the classification of polymers actually the classification of polymers is very wide नंबर ऑफ वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट पॉलीमर्स को जिसमें सब फाइव टाइप से क्लासीफाई करेंगे तो फर्स्ट टाइप इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द सोर्स ऑफ ओरिजन यानी ये क्लासिफिकेशन हमारा किस चीज पर बेस है कि हमारे पॉलीमर का ओरिजिन का सोर्स क्या है किस सोर्स से ओरिजिनेट हुआ है ओरिजिनेट हुआ है तो थ्री टाइप्स में सब डिवाइड हम कर सकते हैं दैट इज नेचुरल पॉलीमर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। सो एज पर इट्स नेम नेचुरल पॉलीमर क्या होगा दैट कैन बी ऑप्ट नेचुरली मीन्स जो कि प्लांट और एनिमल से ऑप्ट किए जा सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं नेचुरल पॉलीमर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन स्टार्च वूल सिल्क सेल्यूलोज, एंजाइम्स हीमोग्लोबिन दीज ऑल आर नेचुरली ऑप्टेड पॉलिमर्स जैसे कि हम सिंपली बात करें आपका सेल्यूलोस का तो ये ग्लूकोज का रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट विल डिस्कस इन द चैप्टर मॉलिक्यूल्स इन डिटेल्स ऑल्सो ठीक है इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं आपका प्रोटीन का तो इसका मोनोमर यूनिट क्या है अमीनो एसिड्स है स्टार्च और सेल्यूलोस दोनों का ही ग्लूकोज है सो सेमी सिंथेटिक क्या हुआ सेमी सिंथेटिक मीन्स फ्रॉम नेचुरल पॉलिमर इफ वी आर फॉर्मिंग द सिंथेटिक पॉलिमर विद द हेल्प ऑफ नेचुरल पॉलिमर इफ वी आर ऑप्टिंग द सिंथेटिक पॉलिमर इट मीन्स बायिंग सम केमिकल मॉडिफिकेशन इन द नेचुरल पॉलिमर किसी नेचुरल पॉलिमर में अगर हम कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू एक नया पॉलिमर बनाते हैं तो इसको हम सेमी सिंथेटिक पॉलिमर कहते हैं जैसे कि सेल्यूलोज नाइट्रेट ट्राइनाइट्रेट जिसको हम गन कॉटन भी कहते हैं एंड वेलकनाइज रबर तो ये नाइट्रो नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ सेल्यूलोस है इट मीन सेल्यूलोर्स नेचुरली अकरेंगे और उसका नाइट्रो डेरिवेटिव अगर हमने बना दिया तो दैट वुड बी द सेमी सिंथेटिक वन वलकेज रबर तो यहां पर हमें नेचुरल रबर को मेल्ट करना है विद सल्फर uh, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे सो दीज आर द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड वॉट अबाउट सिंथेटिक पॉलीमर्स एज पर इट्स नेम जिसको कि हमने टरी में बनाया हो यानी मैन मेड को हम क्या कह सकते हैं सिंथेटिक uh, पॉलीमर्स कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइलॉन हो गया टेरेलिन हो गया प्लास्टिक हो गया रबर हो गया दीज ऑल आर मैन मेड मीन्स सिंथेटिक पॉलीमर्स नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स सो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है किसी पॉलीमर का मीन्स लिंकेज क्या है वॉट इज द मोड ऑफ लिंकेज ऑफ मोनोमर यूनिट इस बात पर डिपेंड करता है हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कि जो हमारे मोनोमर यूनिट हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से लिंक हो रहे हैं उसके बेसिस पे हम थ्री पार्ट्स में सब डिवाइड करते हैं लीनियर चेन पोलेमर ब्रांच चेन पॉलिमर एंड क्रॉस लिंक्ड और थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलिमर जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं वॉट वी आर एबल टू सी इट कैन बी सपोज एज द मोनोमेंट मोनोम लीनियर चेन लीनियर चेन पोलेमर में क्या होगा डिफरेंट मोनोमर यूनिट जो है वो कंबाइन करके एक लीनियर चेन बनाएंगे और ये लीनियर चेन एक दूसरे के साथ दैट वुड बी प्लेस्ड वन ओवर इच अदर विल स्टेक ओवर इच अदर ठीक है तो इट मीन्स लीनियर चेन आर प्लेसड वन अब अदर इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया वेल पैक्ड स्ट्रक्चर बन गया तो इसके बेसिस पर प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी मोड ऑफ लिंकेज के बेस पर जो हमारा पॉलीमर है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो दैट इज वेल पैक्ड सो इट इज हैविंग हाई डेंसिटी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग प्वाइंट अगर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीथीन के बारे में डिटेल में पड़ेंगे तो इट इज हैविंग हाई डेंसिटी लो डेंसिटी पॉलीथीन एटसेट्रा एंड नायलॉन पॉलीएस्टर पी that all we will discuss in detail in this chapter later on branch chain polymer hai? means there would be a linear chain by combining different monomer units but they must be having the branches or side chains also so along with linear chains it also have branches or side chains and it is not closely packed so इसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है दे आर हैविंग द लो डेंसिटीज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट्स टेंट्रेंथ लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम्पल आर लो डेंसिटी पॉलिथिन ग्लाइकोजन स्टार्च एटसेट्रा दीज आर द द्रांच चेन पॉलिमर्स ग्लाइकोजन और स्टार्च को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिट फोर्टीन बट नाउ दू वी आर स्टडिंग दिस नेचुरल पॉलिमर्स वहीं पर पढ़ेंगे बट सिंथेटिक विल डिस्कस डिस्कसर ऑल्सो क्रॉस लिंक्ड और थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। हेयर वॉट वी आर एबल टू सी यहां पर लीनियर पॉलीमर्स एक दूसरे से लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए हैं क्रॉस लिंक के थ्रू जुड़े हुए हैं यानी लीनियर चेन्स आर लिंक टूगेदर टू फॉर्म थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रॉस लिंकेज हुआ है जिससे कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर दे आर हार्ड एंड ब्रिटल एज वेल एज रेजिड इन नेचर एग्जाम्पल्स बैकेलाइट यूरिया फोमेल डिहाइट मेलेमाइन फोमेल डिहाइट रिजेंस दीज आर द रिजेंस एंड बैकेलाइट इज अ बॉलेमर तो एज आई हैव टोल्ड यू जितने भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे इन सबको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वी यूर टू सी द क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है फिर आपको लर्न हो जाएगा कि कौन सा किस टाइप का क्लासिफिकेशन है लर्न हो जाएगा नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मोड ऑफ सिंथेसिस यानी यहां पर अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन मीन्स जो आपका पॉलीमर है वो सिंथेसाइज किस मेथड से किया गया है उसके बेसिस पे हम टू टाइप्स में सब डिवाइड करते हैं एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स एस पर इट्स नेम एडिशन पॉलीमर का मतलब क्या है व्हेन नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स आर एडेड रिपीटेडली बट देर इज नो एलिमिनेशन ऑफ एनी साइड प्रोडक्ट यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हम नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट को आपस में एड किए जा रहे हैं और कोई एलिमिनेशन किसी प्रोडक्ट का नहीं हो रहा है तो इट मीन्स देट इज अडिशन पॉलिमर ये किस केस में पॉसिबल है अगर हमारा मोनोमर यूनिट अनसेच्यूरेटेड है मीन्स इट कंटेन्स डबल बॉन्ड तो आप डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे डबल बॉन्ड के टूटने से दो वैलेंसी फ्री होंगी जिससे दोनों एंड पर एक एक मोनोमर यूनिट को आप जोड़ते चले जाएंगे तो मोनोमर्स मोनोमेटेड इन नेचर रिपीटेडली एडेड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स तो वो क्या कहलाते हैं हमारे एडिशन पॉलीमर्स कहलाते हैं इसको फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं एडिशन होमोपॉलीमर और एडिशन कोपोलिमर यानी होमोपॉलीमर वो होगा जिसमें सेम यूनिट होगी सिंगल स्ट्रक्चरल यूनिट होगी और एडिशन को पॉलिमर वो होगा जहां पर हमारी दो यूनिट्स अलग अलग होंगी और कंबाइन होकर फिर जो है आपका पॉलीमर फॉर्म करेंगी जैसे पॉलीथीन ये इथिन का जैसे कि नाम से पता चल रहा है हम लोगों ने इलेवंथ में भी पढ़ा है पॉलीथीन क्या होता है इथिन का पॉलीमर पॉलीप्रोपाइलीन प्रोपाइलीन का पॉलीमर पॉलीस्टायन किसका होगा एस्टाइरिन का पॉलीमर ये सब आपको पता है कि सारे के सारे डबल बॉन्ड हैविंग मॉलिक्यूल्स हैं ब्यूना एस विल डिस्कस लेटर ऑन स्टाइरीन और ब्यूटा के कॉम्बिनेशन से ये बनता है और यहां पर भी ये दोनों डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड हैं कंडेंसेशन पॉलीमर में हम क्या देखेंगे कंडेंसेशन से हमें पता चल रहा है कि कंडेंस होंगे बाय एलिमिनेटिंग अ साइड प्रोडक्ट मोनोमर्स टू और मोर बाय फंक्शनल ग्रुप ऐसे मोनोमर लेने हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा बाय फंक्शनल ग्रुप हों और वो आपस में कंबाइन करके कैसे कंबाइन करें बाय एलिमिनेशन लाइक वॉटर एल्कोहल अमोनिया एटसेट्रा यानी यहाँ पर एल्कोहल वॉटर या अमोनिया बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा जैसे नाइलॉन सिक्स नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि इनके बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है मीन्स जो हमारा पॉलिमर है विच काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग बिटवीन दैम फर्स्ट वन इज इलास्टोमर द सेकंड वन इज फाइबर द थर्ड वन इज थर्मो प्लास्टिक एंड फोर्थ वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेसिकली इनको अलग अलग भी पूछा जाता है अदरवाइज डिफरेंसेस के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि इलास्टोमर और फाइबर में क्या डिफरेंस है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है जिसमें ज्यादा कॉमन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस है तो लेट्स सी इलास्टोमर्स इलास्टोमर्स क्या है मींस वॉट वी हैव टेकन द बेस ऑफ बेसिस हमारा था मोलिकुलर फोर्सेस तो यहां पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं पॉलीमर्स चेन के बीच में वो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं मीन्स वंडोवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन आर वीकेस्ट जब वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस देंगे तो ये इजीली स्ट्रेच स्ट्रेच हो जाएगा इट मींस दे वुड बी हाईली इलास्टिक इन नेचर इसका मतलब वो हाईली इलास्टिक होंगे लेकिन जैसे ही आपने फोर्स छोड़ा आप जो अप्लाई फोर्स कर रहे थे उसको स्ट्रेच करने के लिए जैसे ही आप उस फोर्स को छोड़ देते हैं ये अपनी शेप को अपनी पहले वाली पोजीशन को रीगेन कर लेता है मींस बिकॉज दे आर हैविंग द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर इलास्टिक इन हाईली इलास्टिक इन नेचर एंड इट मीन्स दे आर हैविंग द एबिलिटी टू स्ट्रेच आउट ओवर टेन टाइम्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज हैविंग स्ट्रेच आउट ओवर टेन टाइम्स ऑन अप्लाइंग फोर्स एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन वेन फोर्स इज वि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो स्ट्रेच हो जाएगा लगभग अपने जो स्ट्रक्चर है उससे टेन टाइम्स और वापस से अपनी पोजिशन में आ जाएगा जब आप फोर्स को हटा लेते हैं इलास्ट्रिसिटी को और इंक्रीज भी कर सकते हैं हम इसकी इस पॉलिमर की नेचर को इसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है जब हम इसके अंदर क्रॉस लिंकेज भी ले आते हैं अगर हम क्रॉस लिंक्स ले आते हैं दैट वी विल सी लेटर ऑन एज आई हैव टोल्ड यू जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे डिफरेंट पॉलीमर्स की बात करेंगे तो वहां देखेंगे कि कैसे इलास्टिसिटी को इंक्रीज भी किया जा सकता है जब हम क्रॉस लिंक्स को एंटर कर देते हैं इन द सिमिलर मैनर फाइबर्स में क्या है फाइबर्स में इसमें वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था यहाँ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जैसे कि डायपोल डाइपोल इंटरेक्शन है अब क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो ये इलास्टिक नहीं होना चाहिए इसको इलास्टिक नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ईजिली पहली बात तो टूटेगा नहीं ना ही स्ट्रेच होगा और जब ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो टूट जाएगा तो इट इज हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लीस्ट इलास्टिसिटी सो यह कैसे होते हैं थिं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है फाइबर्स इट मीन ये पॉलिमर्स फाइबर्स बनाते हैं जिसके डिफरेंट फैब्रिक्स बनाए जा सकते हैं और थ्रिन थ्रेड लाइक सो कैन इजीली पैक्ट हाई मेल्टिंग प्वाइंट एंड लो सोलिबिलिटी सो एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं तो इलास्टोमर्ट्स के नेचुरल रबर ब्यूना एस ब्यूना एन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स इज नाइलॉन सिक्स सिक्स टेरालीन और पॉली एक्राइलो नाइट्राइल मीन्स फाइबर्स कोई भी एग्जाम्पल आप यहां पर लिख सकते हो और यहां रबर का एग्जाम्पल लिखा जा सकता है सो डोंट वरी अबाउट द एग्जाम्पल्स ये इनको रटना नहीं पड़ेगा आपको जब आप डिफरेंट पॉलीमर्स को पढ़ लेंगे उनकी प्रॉपर्टीज जान लेंगे तो अपने आप बता सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पर आना है अभी आपको लग रहा होगा कि इतना सारा लर्निंग पोर्शन है बट नहीं अगर क्लासिफिकेशन आपको क्लियर है और आगे जब आप पॉलीमर्स पढ़ लेंगे तो एग्जाम्पल अकॉर्डिंगली अपने आप से सेट कर पाएंगे द नेक्स्ट वन इज थर्मो प्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है यहां पर इंटरमोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक वंडरवर्ल्ड फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की तरह ही होते हैं बट दे आर इन बिटवीन द इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स इलास्टोमर और फाइबर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मीन एक में वीकेस्ट एक में स्ट्रॉन्गेस्ट इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने के लिए मिलता है सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स एंड बेसिकली दे आर जनरली लॉन्ग चेन लीनियर पॉलिमर और बनते कैसे हैं बाय एडिशन पॉलिमराइजेशन यानी इस तरीके के पॉलिमर कौन से होंगे जहां पर लॉन्ग चेन लीनियर पॉलिमर बनेंगे और ये एडिशन पॉलिमराइजेशन प्रोसेस से बनेंगे जब हम थर्मोप्लास्टिक को हीट करते हैं दे गेट सॉफ्ट एंड मेल्ट हो जाते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं एंड रीगेन देयर शेप ऑन कूलिंग मीन्स जब आप हीट करेंगे मेल्ट हो जाएंगे जब कूल करेंगे तो फिर से टफ हो जाएंगे यानी अपनी पहले वाली शेप में आ जाएंगे तो इनको डिफरेंट मोल्ड्स में डाल के डिफरेंट

सब्सटेंसेस जिनका कि मोलिकुला मास बहुत लो होता है यहाँ पर क्रॉस लिंकेज नहीं होती दे आर द लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर जबकि यहाँ पर क्रॉस लिंकेज हमें देखने के लिए मिलेगी क्रॉस लिंक इन नेचर एंड आई फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बन रहे हैं ये कंडेशन पॉलिमराइजेशन से बनते हैं ये हीटिंग पर सॉफ्ट हो जाते हैं फिट से कूल cool करने पर रिगेन कर लेते हैं अपनी शेप को जबकि यहां पर हीट अगर आप करते हैं तो दे अंडरगो अ परमानेंट चेंज जो भी केमिकल चेंज होगा यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा मतलब मीन्स प्रॉपर्टीज वुड बी सेम देर वुड नॉट बी एनी केमिकल चेंज लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं तो परमानेंट चेंज हो जाता है और ये एक हार्ड इनफ्यूजबल एंड इनसॉलेबल मास में कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि बैकेलाइट और डिफरेंट रिजेंस जैसे यूरिया फोमेल डिहाइड मेलेमाइन फॉर मेलहाइट रेजें एग्जाम्पल्स द नेक्स्ट थिंग वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हम किसी भी प्लास्टिक में एड करें और उसकी प्रॉपर्टी को और ज्यादा सॉफ्ट कर दे वो क्या कहलाते हैं प्लास्टिसाइजर्स कहलाते हैं मीन्स इसका यूज हम बेसिकली कहां करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सॉरी थर्मो प्लास्टिक्स में करते हैं थर्मो प्लास्टिक्स में और ज़्यादा सॉफ्टन करने के लिए इसका यूज किया जाता है जैसे कि पीवीसी के अंदर पीवीसी क्या है जब मेल्ट करते हैं तो भी वो स्टिफ और हार्ड होता है तो इसकी सॉफ्टनेस को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर डाई एन ब्यूटाइल थैलेट एड करते हैं जो इसकी इसको और ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है और, और ज़्यादा वर्केबल कर देता है तो दीज आर प्लास्टिसाइजर्स सो डियर स्टूडेंड्स यू आर टू मेक नोट्स ऑफ इट वॉट यू आर टू अंडरस्टैंड के आपको क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पर हो सकता है और कितने टाइप का इस पर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वन और टू मार्क में तो दैट यू आर टू रिमेम्बर एग्जाम्पल्स आपको बाद में अपने आप लर्न हो जाएंगे वेन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिमर्स नेक्स्ट डे ठीक है एक क्लासिफिकेशन रह गया वो और फिर पॉलीमर्स को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे Thank you.